अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स क्या होते हैं एंड हाउ टू कंट्रोल पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स बेसिकली एंजाइटी की एक टाइप है जिसमें एंजाइटी की सिम्टम्स अटैक्स की फॉर्म में होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड अटैक्स होते हैं, आधे घंटे तक के लिए रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी की। बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है, जैसे कुछ कोई खुदा ना खास्ता कोई हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर कोई इस तरह की टर्मिनल डिजीज़ हो गई है, सांस की कोई डिजीज़ हो गई है, या फिर मौत का खौफ रहता है। बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, अपनी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि ख़ुद को सुनाई देने लगती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सांस उखड़ उखड़ के आता है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, चोकिंग सेंसेशन हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है, सीने में दर्द, और जो कि मिमिक कर सकती है कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई हार्ट अटैक हो रहा है, मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इसके साथ डिजनेस की कैफियत हो सकती है, ऐसे लग रहा होता है चक्कर आ रहे हैं, और जिस्म सुन हो सकता है, जिस्म ठंडा हो सकता है। ये सब अलामतें बहुत शदीद नौयत की होती हैं, अचानक से शुरू होती हैं। उससे पहले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ये सिम्टम्स अराइज हों, ये ख़ुद ही से आ सकती हैं और बहुत शदीद नौयत की होती हैं। और उसमें इसके साथ बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि कोई हार्ट का इशू हो गया है या फिर कोई सीरियस मसला हो गया है, जिसकी वजह से नॉर्मली ये लोग इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे अपना चेकअप करवाते हैं, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल सामने आती हैं। तो ये अटैक्स की फॉर्म में होता है, और इसको डिसऑर्डर तब कहते हैं जब महीने में एक से ज़्यादा जब अटैक होते हैं, और महीने में कम अज़ कम एक अटैक हो जाए तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें ये जो अटैक्स होते हैं, ये इनकी ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे की होती है, और इन अटैक्स की वजह से लोग कुछ ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करते हैं जहाँ पे उनके लिए निकलना मुश्किल हो। एक मुसलसल खौफ रहता है कि दोबारा ऐसा अटैक ना हो जाए, अगर दोबारा ऐसा अटैक हो गया तो फिर क्या करना है। तो वो ऐसी पुरहजूम जगहें, रश वाली जगहें, बाज़ारों में, मार्केट्स में, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह का अटैक हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। ये लोग अकेले सफ़र करने से डरते हैं कि उन्हें खौफ होता है कि अगर दौरान सफ़र कुछ ऐसा अटैक हो गया तो कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फियर कैरी करते हैं कि दोबारा ये अटैक हो सकता है। इस फियर की वजह से, इस खौफ की वजह से मूड में कुछ चेंजेस भी आ सकती है, मूड में उदासी आ सकती है, नींद ख़राब हो सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, गुस्से के मसाइल भी हो सकते हैं, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, समटाइम मायूसी रहना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त थके थके रहना शुरू कर देते हैं, तो कुछ साथ में इस तरह के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और कुछ लोग अपने आप को इस खौफ से निकालने के लिए ड्रग्स का सहारा भी ले सकते हैं, कोई सब्सटेंस यूज़ करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये पैनिक अटैक्स होते क्यों हैं। पैनिक अटैक्स बेसिकली एक तो इन जेनेटिक कॉम्पोनेंट भी है कि जीन्स में अगर आपके फैमिली में इस तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में भी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बचपन में कुछ ऐसे हालात का सामना रहा हो, कुछ एडवर्स इवेंट्स बचपन में रहे हों, या करेंटली कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स चल रहे हों, तो उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स होने की शरह बढ़ जाती है। देखा गया कि ख़वातीन में पैनिक अटैक्स मर्दों के नस्बत ज़्यादा होते हैं, 2:1 रेशियो है, हर दो ख़वातीन और एक मर्द की रेशियो है, और तकरीबन 5% इसका लाइफ टाइम रिस्क होता है, कि लाइफ टाइम में 5% चांसेस होते हैं कि पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स क्योंकि एंजाइटी की बहुत स्वेयर फॉर्म है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सिम्टम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा फेयर होता है कि कोई हार्ट का सीरियस इश्यू हो गया है, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो एक तो इसको इन लोगों को साइकोलॉजिकली ये रीअश्योर करना होता है कि ये एक एंजाइटी की सब टाइप है, ये एंजाइटी की एक किस्म है जिसमें ये अटैक्स की फॉर्म में होती है, और ये अटैक होगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो
तो इसमें अगर आप जितना काम रहेंगे, जितना सुकून से आराम से बैठे रहेंगे, उतना इस सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है, सेवेरिटी है, वो कम होगी। तो एक तो ये कि आपने, अगर ये पैनिक अटैक हो रहा है, तो आपने आराम से बैठना है, आपने रिलैक्स रहना है। ये जानना ज़रूरी है कि ये एक एंग्जाइटी है, इसका फिजिकल कोई डिजीज़ से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। तो एक तो ये कि आपने आराम से बैठना है, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में आपने गहरे लंबे सांस लेने हैं कि आपने नाक से हवा अपने अंदर लेके जानी है और कुछ देर रोकना है सांस और फिर मुंह के रास्ते बाहर निकालनी है। तो इस तरह आप गहरे लंबे सांस कुछ ले सकते हैं, 4 से 5 दफ़ा ले सकते हैं। उससे भी इस की जो सवेरिटी है और इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरा, अगर पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है और आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल डिक्लाइन हो रहा है, तो आपको किसी साइकाइट्रिस्ट से मदद लेनी चाहिए ताकि आपको कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की जा सकें। इसमें जो दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं, उसमें एक क्लास होती है जिसे बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। ये आपको सुकून देने वाली दवाइयाँ होती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं। इसमें एल्प्रेजोलम दी जाती है और वक्ती तौर पे ये आपको सुकून देती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं दिया जाता। मैक्सिमम भी इसको 2 हफ्ते तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी एक दवाइयों की क्लास होती है जिसे SSRI कहा जाता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स, वो दिए जाते हैं। उससे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स की डिस्टर्बेंस हुई होती है, जिसकी वजह से ये इश्यू अराइज होता है, वो उसको इम्बैलेंस को करेक्ट करती हैं ये दवाइयाँ। और काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स में इनकी फ्रिक्वेंसी में और इनकी इंटेंसिटी में बेहतरी आ जाती है। होप सो आपको पैनिक अटैक की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और इस दौरान आपने क्या करना है। इस दौरान आपने इमरजेंसी में नहीं भागना, अस्पताल जाने की गैर ज़रूरी तौर पे ज़रूरत नहीं है। आपने आराम से घर में बैठना है, जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पे किसी जगह पे बैठ जाना है या लेट जाना है, और इस काम रहना है ताकि ये इसकी सेवेरिटी इंटेंसिटी कम हो सके। ये आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई फिजिकल सिम्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुदा ना ख्वास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई हार्ट का मसला है या कोई और मसला हो रहा है। ये एक एंगजाइटी की टाइप है जो आएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आप गहरे लंबे सांस ले सकते हैं, उससे भी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर फिर भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रही तो किसी साइकाइट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।